प्रमोट करेंगे जरूर, पाकिस्तान मेड है, लेकिन अभी आप खा के बताते हैं। वेलकम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं कामरान चुरंगी के पास, जो रास्ता कामरान चुरंगी से यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जा रहा है। वहाँ पे खातून ने बड़ा यूनिक किस्म की कोई डिश जो है मुतारिफ कराई है डॉग कोन के नाम से, ठीक है जी। अब ये क्या चीज है, क्या इसका जायका है, क्यों इन्होंने शुरू किया, क्या क्या इनके पीछे इनकी थॉट है इसको बनाने की, ये सारी चीजें मालूम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम बताइएगा अपना। साबरा नाम है मेरा। साबरा बाजी जी, ये बताएं, जो भी वर्किंग वुमेन होती है उनको बाजी बोलते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं तो आप ही बताएं, ये आपने क्या, ये क्या सब चीजें हैं, क्या आप सेल कर रही हैं? ये एक्चुअली ये है हॉट डॉग, और वैसे लोग हॉट डॉग भी बोल रहे हैं, मैंने इसको कॉर्न डॉग का नाम दिया है। हॉट डॉग लोग मतलब बुरा समझते हैं। हाँ, क्या, आप क्या क्या कह सकते हो सर इसके बारे में? तो मैंने अब इसके बारे में तो जाके साइट पर पता करें। हाँ। के कुछ सर्च वर्च करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, कोई हलाल चीजें खा सकते हैं। आप बताएं कि अभी आप क्या इस पे? मैं इसको कॉर्न डॉग का नाम दे रही हूँ, मैंने इसको कॉर्न डॉग बोला हुआ है, और मैंने पाकिस्तान कराची के अंदर पहली बार इसको लॉन्च मैंने अपने हिसाब से किया है। कहीं कराची पाकिस्तान कराची में अभी तक ये कहीं में भी नहीं बन रहा है। यूनिक आइटम है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल यूनिक आइटम है ये। मैं नए स्टाइल में दे रही हूँ, वैसे तो हॉट डॉग लोग खाते हैं बहुत तरीकों से खाते हैं, उसको बन में रख के ये वो सब दे स्टाइल में, तो ये मैं यूनिक स्टाइल में दे रही हूँ। यूनिक स्टाइल है बिल्कुल बिल्कुल। चले तो ये अभी क्या है, आपने ये मेरे पहले ये होता है इस तरह के फॉर्म में दिखाइए उठा के। ये मुख्तलिफ किस्म के इसमें बनता है, ये वाला जो पार्ट है ये हॉट डॉग का है। ये हॉट डॉग का है, ये ऊपर क्या मोज़रेला है, चीज है सारी चीज है ये, खाई जाएगी आराम से अल्हम्दुलिल्लाह, खा रहे हैं सर अभी तक तो बहुत मजा है। चीजी लवर के लिए का है ये, ये वाला तो जो है ना अभी फिलहाल जाहिर है रेट में अपर डाउन होंगे, बट ये इस वक्त जो बनेगा ये 250 का बनेगा, ये 300 का बनेगा, ठीक है। और रेट्स के अंदर तो अप एंड डाउन होगा जिस तरह की महंगाई चल रही है, आप महंगाई चल रही है। चले अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आमीन। बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़े। ओके सर। ये देखिए जी, अब ये इसके ऊपर ये चालों लो आ रही हैं। तो हां जी बिल्कुल, यही समझ ले, बताती जाएं क्या क्या है क्या? ये सर ये बैटर है, बैटर का मैं क्या बताऊं, ये बैटर कुछ उर्दू बता दें आसानी में हमारे लिए कि हम समझ जाएं आपकी बात। कोटिंग है, ये कोटिंग है इसकी, ये मैदे की, समझ लें इसके अंदर और भी चीजें। हां जी, बस बस बस, काफी है काफी, इतना काफी है, ज्यादा सीक्रेट में नहीं जाना। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, आपसे ये नहीं बोले आप बनाना सिखा दें तो हम भी अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाएं। नहीं सर, रिस्क तो अल्लाह ताला देने वाले, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद ये जनाब ये जाएगा इसके अंदर, ये क्या पोटैटो चंक्स है, ठीक है। ये कोटिंग होती है बाहर की, इसमें मुख्तलिफ किस्म की कोटिंग भी दे सकती हूँ मैं। पोटैटो चंक्स, यस पोटैटो चंक्स है, ठीक है। कहाँ से सीखा आपने आइडिया, ये हमारे जहन में क्यों नहीं आया? दानिश भाई आपके जहन में क्यों नहीं आई ये बातें? आप सारा दिन इधर घूम घाम के आइडिया खत्म कर देते हैं आप। और ये क्या? और जी ये ब्रेड क्रम्स है, ठीक है। और इसकी कोटिंग में और दूसरी तरह की भी दे सकती हूँ मैं, नूडल्स के अंदर भी दे सकती हूँ, इसको पॉपकॉर्न के अंदर भी दे सकती हूँ, ठीक है। मैं अभी और वैरायटी निकालूंगी, बस अल्लाह ताला मुझे थोड़ा सा स्पेस कर दे। और अल्लाह आपको बहुत जगह देगा। ये क्या कर रही हैं अब? ये डीप फ्राइंग दो तक डाल रही हैं। ये तेल की दो तक, ये देखिए जी, ये तेल ही देखिए साफ खोलता हुआ है, ये साफ उतरा तेल है। कितनी देर इसको फ्राई करते हैं? 10 मिनट्स होगा, 10 मिनट्स है ना। चलें आप फ्राई करें, तब तक हम बाकी काम करते हैं। देखो ये कोई दूसरा है, अब है मटन का नहीं आइडिया सर, इसमें और उसमें क्या फर्क क्या है दोनों में? मतलब ये जो आपने पहले जो आपने फ्राई किया, ये वैरायटी है बस, ये समझ लें एक तरह की वैरायटी दी है। अच्छा, मतलब ये भी इसके अंदर भी वो है चेडर चीज मोज़रेला, इसमें तीन तरह की वैरायटी है, उसमें दो तरह की वैरायटी है, ये ज्यादा है। लोग खाली ये 300 का, लोग खाली जो है मोज़रेला भी मांगते हैं कि हमें जो है ना हॉट डॉग ना दें, हॉट डॉग नहीं पसंद है काफी लोगों को, जैसे सॉसेजेस हाँ नहीं पसंद नहीं है, तो कभी चादर उड़ा दे, चादर उड़ा यार भाई कहाँ जा के लाते हैं। ये अब इसको ये तो क्रिएट इन माइंड भाई, भाई नाजिल हो रही है सब चीजें, चादर उड़ा ये बहुत बहुत लोगों को चादर उड़ा दिया। हाँ चादर उड़ा के आ रहे हैं, ये देखिए वो कर देती ना आलू की तरह, आलू तो सबको पसंद है भाई। ये चीज़ मैंने टुकड़ी लगवा दी, अब
वाला हो गया। ये रेडी है जी। वाह जी वाह। अच्छा जी, आगे हमारे पास ये दोनों कॉर्न डॉग। ये ऊपर इसके ये आलू हैं, स्वीट पोटैटोस, ऊपर जो है इसके सॉसेज डली हुई हैं। देख रहे हैं ना आप, यार ये बड़ी यूनिक चीज़ है वैसे कराची के हिसाब से। अब मैंने आजकल बड़ी यूनिक चीज़ें जो है ना वो खाने को मिल रही हैं। और हम पैसे कहाँ देते हैं कहाँ नहीं देते ये आपको नहीं बताएंगे, सही है ना। आप टकरे मारते रहें जितनी मारनी है। ले आओ तुम पकोला, इधर रख दो। हमारी पाकिस्तानी ड्रिंक है, इसको हम प्रमोट करेंगे ज़रूर, पाकिस्तान मेड है। लेकिन अभी आपको खा के बताते हैं। चीज का समंदर है और टपक रहा है थोड़ा सा सॉस। चीज का समंदर वो भी बंदर है। मैं आपको बताऊँ, ये नीचे रख के खाए प्लेट आप, भाई बहुत मजे का। सीरियसली बताऊँ बहुत मजे का, बगैर किसी। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हर जगह जाके तारीफ कर देते हैं, मैं भाई हम जाते ही वही एक अच्छी चीजें होती है। कैसा कैसा दिया, कैसा दिया? जबरदस्त दिया भाई, है ना, बेहतरीन इरशाद है मुकर्रर। अब हम पाकोला पियेंगे और बाकी ये दूसरा आलू ट्राई करेंगे। बाकी भी दानिश भाई वगैरह पूछते हैं इनको कैसा लगा। अच्छा मैं हॉट डॉग के बारे में बता दूं आपको कि हॉट डॉग से ना लोगों के जहन में पोर्क आ जाता है, समझते हैं सुअर का गोश्त। लेकिन हॉट डॉग जो है वो मटन में भी बनते हैं, बीफ में भी बनते हैं और चिकन में भी बनते हैं। ये सॉसेज होते हैं और इनके बारे में किसी और दिन बताएंगे आपको। ये चिकन सॉसेज है इसके अंदर और कोटिंग हुई है इसके ऊपर, आलू के चंक्स हैं और मज़ीद जो है इसमें कॉर्न फ्लोर की जो है कोटिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से जो शेफ़ है हमारी, इन्होंने इसको नाम दिया है कॉर्न डॉग का। तो ट्राई करके देखते हैं, मुझे पता है ऊपर से तो ये चीज़ वाला ही होगा। तो थोड़ा सा क्या फील कर रहे हैं यार, ये जो वो है ना, क्या कहना चाहिए, सॉस वो तो बड़ा यम्मी है। देखिए वो है हेस्कॉल पम्प, ये रहा बैंक, यहाँ पे है खतून और वो कामरान चुरंगी वाला रास्ता सामने से आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो कॉर्न डॉग थे ना उड़ रहे भाई हवा से ना, इसके ऊपर थे और हम खा चुके हैं। एक उनमें था 250 रुपये का, एक उनमें था 300 रुपये का। यहाँ पे आने का मेन मकसद दो है। पहला कि ये बहुत यूनिक है, जो पूरे कराची में इस टाइम पे राइट नाउ आज के दिन तक कहीं नहीं मिल रहा, सही है। और दूसरी रीज़न यहाँ आने की, ये खातून है जो बहुत ही बाहिम्मत खातून है, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इतना मुश्किल काम कर रही हैं, और उसके बाद एक बहुत अच्छी बात जो इनकी है कि बहुत मुस्कुरा भी रही हैं, उसके बाद बड़े अखलाक से ये मिल रही हैं आपसे। खाना इनका जो इनका ये जो ना यूनिक अपना आइडिया लाई है, ये बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूँ, आपने बहुत मज़ेदार है। अगर आप चीज़ लवर हैं, कुछ नया खाने के शौकीन हैं, तो ये 250-300 रुपये में मेरा नहीं ख्याल के बहुत महंगा है, बहुत ज़बरदस्त है। आप आगे इसको लाजमी ट्राई कीजिए। एड्रेस मैं आपको अभी पूछ के ही बता देता हूँ कि इसका एड्रेस क्या है। यहाँ पे हेस्कॉल का पंप है, उधर से आप आएंगे तो कामरान चुरंगी है, इधर से आप आएंगे तो कराची यूनिवर्सिटी रोड है, सही है। इसके आएंगे तो ये फ्लैट है जी, मैं आपको पिन लोकेशन भी इसकी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कामरान चुरंगी से टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी रोड जाते हुए हेस्कॉल का पंप आता है, उस कोने पे कराची आइसक्रीम है, इस कोने पे
जो है ये है। अच्छा ये क्या है? ग्लैमर कम्फर्ट है जी, ये फ्लैट इसके नीचे ही है ये। के साथ ये भी हैं आगा जूस, जूस वाले भी हैं ये। हाँ आगा जूस वाले भी हैं, इनके बिल्कुल नीचे बैठी हुई हैं। यहाँ पे बैंक भी है, नेशनल बैंक है, एतमाद बैंक है। ओके नेशनल बैंक का ही एतमाद की सेक्शन है, एतमाद उसके नीचे इनके शाम से आ जाती हैं और फिर रात तक यहाँ पर होती हैं। इनकी हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मैक्सिमम। मैं अभी इनका नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो में दे दूंगा, जितना हो सके इनकी सपोर्ट कीजिएगा ताकि इनको हौसला मिले, ये यहीं से इस सेटअप से अपनी दुकान बनाएं और मज़ीद आगे से आगे जाएँ। ठीक है, इसको हमारे फेसबुक पेज से ईट एंड डिस्कवर के और यूट्यूब से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए जी, टेक केयर, लव। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my